हेलो। हेलो। हाँ, हाँ जी, जय माता की। जय माता दी। आपका शुभ नाम? कहाँ रानूपाल, से बोल रहे हैं? दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से? कौशाम्बी। दिल्ली से कौसाम्बी, आनंद विहार। अच्छा, कौशाम्बी आनंद। बताइए, कैसे फोन किया? हम पंडोखर जाते थे आज से अच्छा 2 साल पहले, अच्छा दा पंडोखर। इक्कीस आप में। पंडोखर गए हैं? हाँ, आपके काम वाम हुए कि नहीं हुए? काम नहीं हुए हमारे, तो कब उन्होंने की बात है, कब पर्ची। गए आप? मैं फर्स्ट टाइम जब गया था, मैं जनवरी 2021 में गया था। अच्छा, 2021 जनवरी। ठीक है। उन्होंने मेरे से बोला कि 5 अमावस्या कीजिए। उन्होंने लिखा था मेरा 2022 में काम हो, 21 मतलब 22-21 में काम हो जाएगा जून में, ठीक है। तो पर यह है कि काम अभी तक हुआ नहीं है मेरा। तो यह है कि मैं घाटे, बल्कि घाटे में ही और चला गया हूँ। अच्छा, आप वहां गए होंगे तो कोई पर्ची कटानी पड़ी होगी मिलने के लिए। अच्छा, हाँ, मेरी 2100 रुपये की पर्ची कटी थी। 21 रुपए कटी थी, तो आपको तुरंत मिलने को मिल गया था तुरंत, क्या? क्योंकि तो मिलने के लिए जैसे 21 रुपए नहीं पर्ची थी नहीं वो, अब मुझे 3 दिन राउंड काटना पड़ा। तो 3 दिन आप वहां रुके कि घर चले गए थे? अच्छा मैं 3 दिन रुका नहीं था, घर चला गया था। मेरा घर है ग्वालियर में, तो रोज मैं कार से आता था, 1000 रुपये का डीजल लगता था मेरा एक तरफ से। अच्छा अच्छा 3 दिन बाद आप आए थे? अच्छा, हाँ, मतलब मेरा जो खर्चा हुआ था ग्वालियर से, दिल्ली से यहाँ तक का आने का, 7,000 का हो जाता था एक बार में। अच्छा। उसके बाद 3 दिन बाद बुलाया, फिर मुझे 1,000 का डीजल फिर पड़ा मुझे। यानी कि पहली बार जब गया था तो मुझे डीजल खर्चा 7-10 हज़ार रुपये का पड़ा था अच्छा, फिर दूसरी बार आपको जाना पड़ा, तो तुरंत अर्जी के मिलने को लिए। मिल गया था? क्या? जैसे दूसरी बार आप गए होंगे तो मिलने को तुरंत मिल गया था? दूसरी बार जब गए थे तो अर्जी के लिए, हाँ, तुरंत मिल गया था नंबर, रात को मिला था। पर अच्छा, तो फिर आप कहाँ मिले थे उनके दरबार में? दरबार में मिले थे हम, हाँ, क्योंकि दो उन्होंने जगह हमारे बता को रहे हैं, एक तो वहाँ अलग मिलते हैं, फिर दरबार में मिलते हैं, तो आपसे कहाँ मुलाकात हुई थी? 2100 रुपये की पर्ची थी मेरी, तो मेरी तो दरबार में मिले थे मुझे। अच्छा, दरबार में मिले थे, तो फिर कैसे, क्या बात हुई, क्या आपने उनके पास गए होंगे? मैंने अपने लैब के बारे में पूछा था, मेरी पैथोलॉजी लैब थी, हाँ। तो उन्होंने डेट लिखी थी मेरी कि जून 2021 से 22 तक आपको सफलता मिलेगी। उसमें उन्होंने मुझे 2 रामायण, एक हवन, एक वैदिक हवन, 2 करवाए थे मेरे साथ, एक जिसमें रामायण की सीरीज थी। हवन और वैदिक हवन, ये क्या कहानी है? नहीं, 2 हवन, दो हवन, रामायण, दो दो रामायण, मतलब दो रामायण और एक। एक हवन ये था जो उनके धाम पे करना था, अच्छा और एक हवन वो था जो घर पे करना था। अच्छा शेष तरह दोहन। ठीक है, तो उसके भी कुछ पैसे लगे थे कि ऐसे, मतलब दो उसी में शामिल था? नहीं, 2 रामायण के जो है मैं इससे 2200 रुपये लिए थे, और हाँ। जो हवन करने के लिए मुझे धाम पर बुलाया था, उन्होंने डेट दी थी, अच्छा, तो उस उस समय नहीं हुए थे, तो नहीं, उन्होंने मुझे डेट दी थी 2 महीने बाद की। उसमें आपने पैसे जमा करवाए थे कुछ? पैसे जमा किए थे मैंने, 40,000 रुपये उन्होंने जमा कराए थे, हवन की 40,000 कहाँ लगते हैं? 40,000 रुपये लिए थे उन्होंने। उन्होंने बहुत सारी चीजें बता दी, मतलब 30 से 40 हज़ार के बीच में लगा था, जिसमें मैं अच्छा, इंक्लूड, मान लीजिए उसमें मैं दिल्ली से आया था तो खर्चा भी था उसमें। नहीं, केवल आप हवन का बताइए, लगभग कितना? हवन का मुझे 30,000 रुपये बता, 21, 30 30। 30। अच्छा, 30,000 हवन के, और उसी में सारी चीजों, कपड़े वगैरह जो भी होता होगा। हाँ, अच्छा, वो और प्लस जो 10,000 और ज्यादा आप बता रहे हैं, तो आपका आने जाने का है, मतलब खर्च होगा। ठीक है, तो आपने ये सारा करवाया? अच्छा, हाँ, ये करवाया सारा और अमावस्या वगैरह भी जरूरत मैंने, पड़ी थी क्या? 5 अमावस्या भी की थी। अच्छा, तो मतलब 5 अमावस्या भी कर दी, मतलब कह दीजिए उनके सारे क्रम आपने पूर्ण किए थे, तो इसके बाद फिर काम नहीं हुआ? बिल्कुल काम नहीं हुआ मेरा। मैंने सोचा चलो जून 2021 तो निकल गई है, 2022 में हो जाए, हाँ तो 22 का जून भी मैंने देखा। हाँ तो जब से मैं इनके धाम पे गया, जब से मैं लॉस में ही जा रहा था, बेनिफिट तो मुझे कहीं हुआ ही नहीं। अच्छा, और लॉस में जा रहे थे, जी बिल्कुल, लैब अब तो मेरी समझ लो बंद ही हो चुकी है। लैब है कहाँ? मेरी आनंद विहार में है लैब, दिल्ली। अच्छा, और स्थिति यह है कि और ज्यादा गर्भवती चली गई? हाँ बिल्कुल, चली गई है वो, मतलब
ऐसा था, इससे पहले तो मेरा अच्छा चलता था, इनसे जब मुलाकात हुई उसके बाद तो मेरा काम बिल्कुल खत्म हो गया, बंद हो गई अब लैब, ताला डला है। ये तो आपके साथ बहुत ज्यादा अन्याय है। और इन्होंने क्या कहा था, लैब और तेज चलेगी? हाँ, इसको बंद मत कीजिए, आपकी लैब अच्छी चलेगी। अच्छा, और इसके बाद फिर आप नहीं मिले उनसे? उसके बाद नहीं मिला हूँ मैं। एक बार मैं गया था, मैंने बोला कि मैंने आपके यहाँ पर्ची कटवाई थी, मेरा काम नहीं हुआ है, तो उन्होंने बोला कि एक बार आइए पर्ची लेकर। उसके बाद दोबारा मैं गया तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, फिर मैं जब से गया ही नहीं हूँ। हाँ, मतलब क्या करते हैं, क्या फिर से दूसरी बार पैसे मांग रहे थे क्या मिलने के लिए? नहीं, पैसे नहीं मांगा था, मैंने ऐसे पूछा था, बोलते पर्ची लेके आइएगा। मैंने कि बिना पर्ची के तो आप बता सकते हो, रिकॉर्ड तो आपके पास रहता है, तो बोलते हो नहीं पर्ची के बिना कैसे बता सकते हो। तो फिर मैं उसके बाद गया नहीं। पर्ची तो इसलिए मंगाते हैं कि दे दो तो जो पुराना रिकॉर्ड है खत्म हो जाए। हाँ, तो मैं लेके नहीं गया था पर्ची अर्ची, तो फिर मैं ऐसे उसके बाद गए गया थे? नहीं। हाँ, ऐसे ही गया था। अच्छा, तो फिर उन्होंने टाल के भगा दिया। हाँ हाँ, तो ये तो वो तो सीधी सीधी खुला ठगाई है। और जो उन्होंने लिया तो पर्याप्त ले लिया, 30,000 उसके, 2,200 उसके, मतलब हवन के 30,000, 2,200 रामायण टोटल, वो तो के, ये है कि 1,00,000+ मेरा खर्चा हुआ है। 1,00,000+ खर्चा हो गया, और समय जो लगा हुआ एक्स्ट्रा में। तो हाँ, वो समय लगा हुआ एक्स्ट्रा, दिल्ली से आना ये जाना। तो कोई ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने दान के रूप में मांगे, वो तो कार के लिए मांगे थे उन्होंने। अरे, कार भी तो होना चाहिए जब नहीं किसी नहीं चीज नहीं में नहीं सफल। नहीं मेरा दूसरी बात कहना, देखिए एक ये होता है कि हम श्रद्धा से वहां कहीं दान कर देते हैं तो उसके कार का कोई संबंध नहीं होता। एक ये होता है कि जो आपने कार्य करने के हमसे पैसे मांगे, हमने वो दिए, हाँ, तो आपका क्या था, आपने दान के रूप में वहां दिया था जो भी खर्चा हुआ था, या वो आप कार्य के लिए दिए थे? हम कार्य के लिए दिए थे। जब कार्य के लिए दिए थे तो उन्हें काम करना चाहिए, और नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब गलत कर रहे हैं। हाँ, और ये जो आपको मतलब उन्होंने दो उसमें पर्ची में लिखा भी होगा ना कि कब कब तक काम करते हो जाएगा? ये उन्होंने पर्ची में लिखा था 20 जून 2021-22 तक, हाँ, तो भाई अब तो जून 2022 भी निकल गया, 2022 भी निकल गया। 2022 निकल गया, तो अब तो 2022 जून क्या है, तो दिसंबर आ गया। दिसंबर आ गया, ये समझ लो मेरी लैब बंद हो गई। ये 2022 तक अच्छी चलना चाहिए थी, पर 2022 में मेरी लैब ही बंद कर दी। तो कुल मिला के इनके यहाँ जाना और नुकसानदायक रहा, ये हाँ, तो टोटल गलत है। आपको क्या लगता है, क्या अभी उम्मीद है? मतलब मेरे को नहीं लगता कि उम्मीद है मेरा काम आगे बढ़ेगा। इन्होंने तो चौपट कर दिया। और आप इनसे क्या कहना चाहेंगे, जैसे हम वीडियो डालेंगे आपका, और ये मान लीजिए वीडियो तो ये देखेंगे, पक्का देखेंगे और यहाँ तक पहुंचेगा, तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि या तो हमारे किसी चीज का समाधान करें, नहीं है तो हमारे पैसे वापस करें। बिल्कुल, और पैसे भी वो भी ब्याज सहित, ब्याज सहित मीन मतलब जितना खर्चा हुआ है, हाँ, ऐसा नहीं कि वो जितने उन्होंने लिए उतने, जो हमने और लगाए वो भी तो होनी चाहिए वापस। तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अब आप इतना पैसा 1,00,000, बेरोजगार है अब तो हम लोग। हाँ, तो 1,00,000 से जो ऊपर आपका लग गया तो उतना पूरा हाँ, वापस होना क्योंकि चाहिए। देखिए, हमने जब अपनी लैब डाली थी वो भी हमने पैसे ब्याज से लिए थे, बैंक से बैंक से आप हमारे। ब्याज लिए थे? हाँ बिल्कुल, ब्याज से पैसा लिया था, तब बिजनेस डाला था, बिजनेस के पर्पस से हम गए थे। अब बिजनेस सफल हुए नहीं, और सफल कहिए हुए नहीं, जाए नुकसान नुकसान और हो गया हमारा तो। और हो गया, तो अभी उसका भी आपको ब्याज आज और सब भरना पड़ेगा, और खरीद रहे होंगे हाँ जो भी है, तो बिल्कुल, बैंक का तो ब्याज अपने भुगत ही रहा हूं मैं। फिर तो आपका मैसेज ये है कि ये तो हमारा काम अभी भी कर दें, हम उसके लिए तैयार हैं, या फिर हमारे पैसे वापस करें ब्याज सहित, हाँ, बस यही मतलब है, और हमारा क्या मतलब है? नहीं और हमारा कोई मतलब नहीं है। तो बस ठीक है, हम ये वीडियो बना के आपको बिल्कुल डालने पर, हाँ, ये वीडियो हम डालने के तैयार हैं, उसके लिए आप सहमत हैं? तो बिल्कुल बिल्कुल, उसकी आप मुझे जो भी वहाँ के एविडेंस हो, एक तो आप अपनी फोटो मोबाइल से खींच के भेज दीजिएगा, और जो वहाँ के एविडेंस मीन्स मतलब जैसे जो भी पर्चियाँ हों उस समय की उपलब्ध, हाँ, सारी पर्चियां हैं तो मेरे फिर पास। आप मुझे सभी भेज दीजिएगा, जिसमें उन्होंने लिख के दिया है कि आपके इस समय काम हो जाएगा, तो उसके दोनों तरफ रहता है, तो उसके दोनों तरफ की फोटो भेजिएगा। मेरे तरफ एक ही तरफ लिखा हुआ है, मैं एक ही तरफ का फोटो तो खींच देता हूँ, ठीक है, एक तरफ का तो बाकी की जितनी दीजिए। पर्चियां सारी सेंड कर देता हूँ। हाँ, सारे अभी मुझे व्हाट्सएप से आप भेजिए, हम बिल्कुल, प्रोसेस ये आपका करवाते हैं, व्हाट्सएप और नंबर? आपका बिल्कुल, हाँ यही नंबर है व्हाट्सएप नंबर, और ठीक हम ठीक वीडियो डालते हैं, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए उसमें, क्या है,
और बकाया आपने मैसेज यही दिया है, महत्वपूर्ण वही है। ठीक 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 है, ओके ओके। हाँ, जय माता दी, जय माता।